नमस्कार सभी भैयाओं को। देखिए इसके अंदर प्रश्नावली एक पॉइंट की कक्षा 10 गणित की पाठ तारीख है 28/6/21। इसके अंदर देखते अपन सबसे पहले इसके अंदर ये एल सी एम होता है, एक एच सी एम होता है। एल सी एम में का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या है उनमें पूर्ण रूप से भाग चल जाए। दी हुई संख्याओं का मतलब एलसीएम निकालने के लिए पूर्ण रूप से उसमें भाग जाना चाहिए। जैसे किसी का भी आपको एलसीएम निकालना है जो दी हुई संख्या है उनका मतलब आप अभाजन खंड से निकाल सकते हो या न्यूक्लियर से निकाल सकते हो, ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। पर एलसीएम के अलावा अपन इसमें पूछा है एचसीएम। एचसीएम का मतलब होता है दी गई संख्या या ऐसी संख्या जो दी गई संख्या के अंदर ऐसी संख्या जिसका भाग पूर्ण रूप से जा सकता है। पूर्ण रूप से तो ऐसे कई संख्याओं में चल जाता है, पर कई संख्याओं से मतलब जो बड़ी से बड़ी हो, जिसको बड़ी से बड़ी संख्या है जिनका भाग पूर्ण रूप से जा रहा है। जैसे जो संख्या दे रखी है 4 दे रखी है, 3 दे रखी है, तो अपन उनका जब लेसे और मेसे, तो लेसे निकालते हो एक मेसे निकालते, मेसे का मतलब एचसीएम निकालते हैं। उन संख्याओं में ऐसी संख्या आनी चाहिए भागफल जो बड़ा से बड़ी है, मतलब उसके बाद में उन संख्याओं का भाग देते हैं अपन। तो सबसे बड़ी जैसे आपको मान लेते 10, 2 और 5, तो 2 का भी ज़्यादा और 5 का भी ज़्यादा है। और मान लो ऐसे ले लेते 20 ले लेते, तो 2, 5, 4 ऐसी संख्या अपन देखते हैं इसके अंदर, तो 2 का 10 बार ज़्यादा है और 4 का 5 बार ज़्यादा है और 10 का 2 बार ज़्यादा है। तो एचसीएम सबसे कितनी बार ज़्यादा है 2 बार, तो इसका एचसीएम 2 हो जाएगा। अब देखते हैं अपन इसको छोड़ के किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक एम के लिए 3m या 3m+1 के योग का होता है। माना धनात्मक पूर्णांक a, तो b=3, शेषफल असल में इससे कम होता है, तो 0, 3 से कम, 0, 1, 2 ये इसका शेषफल हो जाएगा। और इसका अंदर वर्ग के लिए कह रहा है धनात्मक संख्या का वर्ग, तो a=2 कितना b³+r, या आप इसको ये a=2b³+r, एक धनात्मक पूर्णांक के विभाजक है, क्यों भागफल है और शेष फल। इसके अंदर देखते हैं अपन क्या करते हैं, पहले a²b³+0, इसका मान 0 है तो इसको और स्क्वायर करते हैं, 3³² 9³² हो जाएगा। तो आपको कितना चाहिए, 3m चाहिए, 3m चाहिए, तो 3m है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये इसको बोल दिया 3 का होल स्क्वायर भाग हो जाता है 9³ का स्क्वायर। तो आपको चाहिए 3m चाहिए, 3 बाहर निकाल दो, है ना, 3 बाहर निकाल दिया, तो ये 3 बाहर निकाल दिया, कितना बच गया 3q², तो ये m इसको लिख देते हैं, m मान लेते हैं इसको, तो ये 3m का हो जाएगा। इसी प्रकार से a=3q+1 का होल स्क्वायर, इसको निकालते हैं अपन, तो ये सर सर का है a+b का होल स्क्वायर a²+2ab+b², इससे अपन इसको खोल लिया है। अब आपको तो 3 ही चाहिए, तो अपन ने 3 बाहर निकाल दिया, ये तो क्या बचा, इसमें भाग दिया 2² + 6 में 2 बार 2q² + 1, इसको m मान लीजिए, ये m अपन ने इसको मान लिया, 3m+1 आपकी ही आ जाएगा। तो आते किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3n+1 के रूप का होता है। कई बार अपन चाहते हैं कि इसको एक बार और निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, इसको 2 से भी आप निकाल सकते हैं, तो भी आपका ये हो जाएगा, 2 से भी आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे आपको बता देता हूँ, आपने निकाला a=3q+2, इसका होल स्क्वायर करा, इसका होल स्क्वायर करा, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, 9q²
प्लस तीन दो आठ छः और छः दो के बारह क्यू प्लस चार, इसको भी अपन कर सकते हैं। इसके अंदर भी नौ क्यू स्क्वायर प्लस बारह क्यू प्लस ई प्लस ई, ऐसे इसकी अपने टोटल कर सकते हैं। तीन बाहर निकाल दो, तीन क्यू स्क्वायर प्लस चार क्यू प्लस वन प्लस वन, इसको एम मान लेते, थ्री एम प्लस वन इससे आ जाएगा। अब अपन देखते हैं इसके अंदर देखते किसी धनात्मक पूर्णांक का गण, थ्री एम घन के लिए तो इसके अंदर आपने क्या किया है, क्या नो एम प्लस वन नो एम प्लस आर के रूप का होता है। तो अपन माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है, ये थ्री क्यू प्लस वन या थ्री क्यू प्लस टू के रूप का होता है, तो बी का मान कितना हुआ, तीन हो गया, तो आर जीरो एक दो हो गया। अब ये घन के लिए कह रहा है ए इक्वल टू ए का मान थ्री क्यू, तो इसके अंदर फिर क्या करते हैं, घन के लिए कह रहा है तो घन करते हैं, ए की घात ई और इसकी घात भी ई, तो ई रुपया की नौ नौ की सत्ताईस, सत्ताईस क्यू की घात ई। तो आपको चाहिए नौ है तो नौ का घात दो इसमें, नौ बाहर निकाल दो, नौ को बाहर निकाल देंगे नौ दिया कि सत्ताईस, तीन बार गया और क्यू की घात तीन हो जाएगा। अब इसके अंदर एम इक्वल टू थ्री क्यू की घात क्यू की घात तीन, मतलब क्यू और उसकी घात भी तीन, तो इसका अंदर कितना हो जाएगा, ये नो एम हो जाएगा, नो एम हो गया, इसको अपन ये मान लिया। आगे देखते हैं अपन, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकेंड ए इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन, इसका वन हो गया, इसको आगे करते अपन घात तीन, ये घात तीन अपन करते हैं, तो तीन किया कि नौ नौ की सत्ताईस, सत्ताईस क्यू की घात तीन प्लस देखते हैं तीन तीन आएगा इंटू ए स्क्वायर और ये बी, ए स्क्वायर मतलब टी क्यू का स्क्वायर इंटू वन प्लस टी इंटू ए टी क्यू इंटू बी का वर्ग प्लस बी। तो इसका अंदर अपन देखते नौ की सत्ताईस क्यू की घात तीन, तीन का वर्ग नौ और नौ की सत्ताईस प्लस सत्ताईस क्यू का वर्ग प्लस एक, या सेकेंड का स्टेप है इंटू ए, और फिर देखते रहो तीन दिया कि नौ नौ क्यू प्लस एक, ये दे दिया। तो आपको चाहिए नौ एम प्लस वन चाहिए, तो इसके अंदर से अपन देखते हैं कोई सी जगह की प्रॉब्लम है, इक्वल टू नो कॉमन ले लेते ई क्यू स्क्वायर क्यू घात ई, क्योंकि इस बार तो अपने क्यू तो कॉमन लिया नहीं, प्लस कितना हो गया ई क्यू स्क्वायर प्लस ए, ए का मतलब क्यू है ना, और प्लस वन, इसका मान एम बन देगी तो कितना हो जाएगा थ्री एम प्लस वन, ऐसे अपन निकाल लेते और इसको फिर आगे भी कर दो से करते तो आपका ये पोजीशन आ जाएगा। इस तरह से अपन इसको हल कर सकते हैं। इसको देखिए अगर फिर भी आपके कोई परेशानी आती है तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं।